और इस बीच एक और अहम खबर ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने गुंजन सक्सेना द कागिल गर्ल फिल्म पर एतराज जताया है। वायुसेना का कहना है कि फिल्म के कुछ सीन, डायलॉग और प्रोमो में भारतीय वायुसेना की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। वायुसेना ने धर्मा प्रोडक्शंस को पत्र लिखकर कहा है कि गुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल फिल्म में इंडियन एयरफोर्स के बारे में गलत तरीके से दिखाया गया है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, ये रिलीज कब होनी थी और किस तरह से अगर वायुसेना ने आपत्ति दर्ज की है, इस पर क्या हो सकता है आगे? संदीप, आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए, वायुसेना की आपत्तियां किन किन बातों को लेकर है? तो एक बार फिर से आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म पर एतराज जताया है। वायुसेना का कहना है कि फिल्म के कुछ सीन, डायलॉग और प्रोमो में भारतीय वायुसेना की छवि को धूमिल करके दिखाया गया है। वायुसेना ने धर्मा प्रोडक्शंस को पत्र लिखकर कहा है कि गुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल फिल्म में इंडियन एयरफोर्स के बारे में गलत तरीके से दिखाया गया है। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, आपत्तियों के बारे में क्या कहा जा रहा है वायुसेना के जरिए? देखिए, कुछ ऐसे दृश्य हैं, कुछ ऐसे सीन हैं, कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो कि कहीं ना कहीं एयरफोर्स की छवि को जो है धूमिल करते हैं। खास तौर पे कि ये महिला एयर ऑफिसर के ऊपर फिल्म बनी है और उस वक्त कुछ ऐसे दृश्य थे जो कि भारतीय वायुसेना की छवि को जो है मलाइन कर रहे हैं और उसको लेकर जो है आपत्ति जताई गई है। इससे पहले भी जो है सेना ने कई ऐसे जो वेब सीरीज है उसको लेकर आपत्ति जताई थी, जिसमें कि सेना के या तो यूनिफॉर्म या उनके जो कंडक्ट है जिस तरीके का होना चाहिए वैसा नहीं था। उसी की तर्ज पर जो है वायुसेना ने बाकायदा पत्र लिखकर जो है ये कहा है कि, और साथ ही जो धर्मा प्रोडक्शन है उन्होंने भी कहा है कि वो भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स के साथ बैठकर जो है, अधिकारियों के साथ बैठकर इसको जो है जरूर देखेंगे और अगर कुछ ऐसी की त्रुटि है तो उसको बदला जाएगा। लेकिन ये लगातार इस तरीके की चीजें हो रही है, जैसे ही कोई भी ऐसी जो वेब सीरीज या वेब फिल्म जो वेबसाइट पर रिलीज होती है, वेब पर रिलीज होती है, उसमें जो है किसी भी तरीके की पाबंदी या बंदिश नहीं होती है। ऐसे में जो भी उस फिल्म को या सीरीज को रिलीज करता है वो अपने व्यूअर को देखते हुए जो है उसको उसी तरीके से मोल्ड करता है। लेकिन जब भी सेना की बात आती है, चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे थल सेना हो, उसकी अगर छवि कहीं भी धूमिल होती है तो उसको लेकर सेना की तरफ से कड़े कदम उठाए जाते हैं और बाकायदा ये लेटर लिखा गया है। और हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो है जो वायुसेना की तरफ से जल्द ही आधिकारिक रिलीज भी जो है इस पर जारी की जाएगी कि इस तरीके की आपत्तियां थी। संदीप, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर के लिए ये फिल्म टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में जो वायुसेना की आपत्तियां हैं उन पर धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से कुछ अभी तक रिएक्शन आया है क्या? देखिए, कहा यही जा रहा है धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से, ये इस बात को कहा गया है कि वो जरूर जो है इस पर नजर रखेंगे और बाकायदा अधिकारियों के साथ जो है बैठकर एक बार फिर से उस फिल्म का रिव्यू भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो कि आज जो है 12 तारीख को नेटफ्लिक्स पे इसको रिलीज होना था, लेकिन जब उसके जो प्रोमोज रिलीज हुए वो जो है कहीं ना कहीं जो है उस तरीके के नहीं थे। कहीं ना कहीं जो भारतीय वायुसेना है उसकी छवि को जो है धूमिल किया जा रहा था, क्योंकि जो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात भारतीय सेना में की जाती है कि यहाँ पे महिलाएं और पुरुष जो है वो एक समान है, सबको बराबर जो है सम्मान दिया जाता है, और ऐसे में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कि उस चीज को चोट पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि इस तरीके का कदम जो है भारतीय वायुसेना की तरफ से उठाया जा रहा है। संदीप, लगातार जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।